लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उग्रवादी संगठन जेएमएम एमपी के दो सब जोनल कमांड को गिरफ्तार किया गया है। फेंकू भुइया उर्फ सर्वनाश जी और खुर्शीद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खुर्शीद सदर थाना क्षेत्र के तरवाडीह का रहने वाला है, जबकि सर्वनाश जी बालूमाथ थाना क्षेत्र के कुरियाम खुर्द का रहने वाला है। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि जिले में सक्रिय उग्रवादी और नक्सली संगठनों के विरुद्ध लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर जंगल के तराई में दो उग्रवादियों के होने की भी सूचना मिली है। पुलिस ने झाड़ियों के बीच में छुपे दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्त में आए दोनों उग्रवादी लातेहार के अलावे चतरा, हजारीबाग और रांची जिला में सक्रिय थे। और यह भी बता दें आपको, गिरफ्तार उग्रवादी संगठन सुप्रीमो पप्पू लोहरा का दाहिना हाथ माने जाते हैं। वैसे में इनकी गिरफ्तारी से जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तो वहीं संगठन को तगड़ा झटका लगा है। तो लातेहार में पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के दो सब जोनल कमांड को गिरफ्तार किया गया है। फेंकू भुइया उर्फ सर्वनाश जी और खुर्शीद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुर्शीद सदर थाना क्षेत्र के तरवाडीह का रहने वाला है, जबकि सर्वनाश जी बालूमा थाना क्षेत्र के कुरियाम खुर्द का रहने वाला है। पदाधिकारी के साथ टीम को भेजा गया, जिसमें कि इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से AK-47 और 8 राउंड बरामद किए गए हैं। दोनों उग्रवादी हाल के दिनों में सक्रिय रहे हैं। इनके विरुद्ध, फेंकू भुइया और सर्वनाश के विरुद्ध, लातेहार और आसपास के जिला में कुल 9 कांड दर्ज हैं और खुर्शीद अंसारी के विरुद्ध कुल 7 कांड दर्ज हैं, जिनमें कि हत्या से लेकर के रंगदारी मांगना, आगजनी की घटना, ये सभी घटनाएँ शामिल हैं। मनोज, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए मनोज, जेजेएमपी के दो सब जोनल कमांड को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ खुलासे हो पा रहे हैं? देखिए सिका, एक लातेहार पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन, उसके दो सब जोनल कमांडरों की एक साथ में गिरफ्तारी होना एक पुलिस के लिए अपने आप में सफलता का मामला है, सफलता दर्शा रही है। लेकिन इससे लोगों को भी एक राहत के लिए इस राहत भरी सूचना है सिखा, कि इस मामले में जितने भी समीप के जिला थे उसमें ये सक्रिय थे और उनमें नक्सली और उग्रवादी घटनाओं में संलिप्तता रही है, तो उसको पुलिस द्वारा पूरी तरह से पुलिस अगर इस मामले को माफ करेंगे शब्द का है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी सिखा। हालांकि दोनों मामले पर जो गिरफ्तारी है उसमें पुलिस की तकनीकी से की अहम रोल है, क्योंकि इन लोगों द्वारा सिम का उपयोग नहीं किया जा रहा था सिखा, इन लोगों द्वारा इंटरनेट उपयोग करने के लिए राउटर का उपयोग किया जा रहा था और तकनीकी सेल द्वारा इसके पूरी तरह से सक्रियता दिखाते हुए पुलिस के साथ में जो संयुक्त कार्रवाई हुई उसमें गिरफ्तारी हुई है। अगर दूसरी ओर बात करें सिखा, तो अभी विगत एक सप्ताह पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गिरोह लॉरेंस बिश्नोई का 4 गुर्गा लातेहार जिला से गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो मनोज नजर बनाए रखिएगा और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।